करते हैं और जानते हैं पटना में विधि व्यवस्था को लेकर जो निर्देश दिए गए, तमाम बड़ी बैठकें हुई, सीएम नीतीश कुमार इस पर सख्ती बरतते हुए नजर आते हैं, लेकिन उसके बाद भी अपराध पर लगाम लगता हुआ नजर नहीं आता है। लगातार मर्डर हो रहे हैं, चोरी की वारदातें हो रही, लूट अपराध, किडनैपिंग, तमाम तरह की अपराध को अंजाम देते हुए अपराधी बेखौफ नजर आ रहे हैं। हमारे सहयोगी चंदन हमारे साथ जुड़े हुए। चंदन, लगातार पटना में बिहार की बात करें तो बिहार में अपराध थमता हुआ नजर नहीं आ रहा है, लगातार आपराधिक वारदातें हो रही हैं। बेतिया में भी देखिए पूर्व मुखिया की गोली मारकर हत्या कर दी गई। लगातार बैठकों के बाद भी आखिर क्यों क्राइम पर कंट्रोल नहीं हो पा रहा? जी देखिए, बिल्कुल आशिया, चूंकि अपराध का ग्राफ जो है लगातार जो है वो बढ़ रहा है, और राजधानी की बात कर लिया जाए या पूरे बिहार की बात कर लिया जाए तो आए दिन घटनाएं जो है यहाँ हो रही है। कल भी राजधानी पटना की बात कर लिया जाए तो पीएनबी बैंक से 21 लाख की जो है दुल्हिन बाजार में लूट हुई है, और 4 अपराधी जो है इस घटना को अंजाम दिए हैं। हालांकि सीसीटीवी फुटेज भी सामने आई है और पुलिस के द्वारा उसे पब्लिकली की गई है और लोगों से अपील किया गया है कि लोग उन्हें पहचाने। लेकिन सबसे बड़ा सवाल यह होता है कि ये बिहार की राजधानी पटना है, जहां से बिहार के मुख्यमंत्री भी यहां बैठते हैं और बिहार के जो डीजीपी हैं वो भी यहां पर बैठते हैं और तमाम पदाधिकारी बैठते हैं, लेकिन यहां भी अपराधी जो है बेलगाम है और आए दिन घटनाओं को अंजाम दे रहे हैं। कोई भी एक ऐसा दिन नहीं है जहां यहां पे लूट, हत्या, मर्डर और छिनचोरी की घटना जो है वो ना हुआ हो, क्योंकि लगातार अपराधी जो है कहीं ना कहीं पुलिस को खुली चुनौती दे रहे हैं और घटनाओं को अंजाम देकर जो है फरार हो जा रहे हैं, और उनकी खोजबीन जो है वो पुलिस जो है वो कर रही है। चाहे बात कर लिया जाए पूर्णिया की, पूर्णिया में भी आपको याद होगा कि लगभग 2 करोड़ रुपए की लूट हुई थी, उसमें कई अपराधी अभी भी जो है वो फरार हैं। हालांकि ये बातें जरूर सामने आई थी कि पटना के जो बेउर जेल है जिसमें जो कुख्यात कई कुख्यात अपराधी बंद है वहां से इसकी सेटिंग हुई थी और व्हाट्सएप के माध्यम से कई चैट किए गए थे, कई फोटो दिए गए थे, उसके बाद पटना पुलिस ने छापेमारी भी की गई थी। लेकिन लगातार आपको बता दें कि अपराधियों का मनोबल जो है कहीं ना कहीं बढ़ता हुआ नजर आ रहा है और पुलिस को घटना को अंजाम देकर पुलिस को खुली चुनौती दे रहे हैं। जी आसिया, तो लगातार अपराधी घटनाओं को अपराधकर्मी चुनौती दे रहे हैं, लेकिन उनमें पुलिस प्रशासन का कोई खौफ नजर नहीं आ रहा। बैठक भी हुई थी चंदन, इसे लेकर बड़ी बैठक थी और सीएम ने भी सख्त निर्देश दिया था। विपक्ष को भी एक मुद्दा हाथ लग गया अपराध को लेकर, लगातार वो सरकार को घेरता हुआ दिख रहा है। इसके बावजूद भी आखिर कमी कहाँ दिख रही है? क्या जो एक माफिया गैंग चलता है जो लगातार बिहार में अपराध को अंजाम देता है, कई ऐसी घटनाएं हैं जो आपसी विवाद में होती हैं, लेकिन इसके अलावा जो अपराधिक या गिरोह है, संगठित गिरोह, उस पर नकेल कैसे कसी जाएगी? जी देखिए, बिल्कुल, चूंकि विपक्ष को एक मुद्दा चाहिए और इन दिनों आप देख रहे हो कि लगातार विपक्ष जो है ट्वीट कर रहा है घटनाओं को लेकर, लगातार जो है ट्वीट कर रहा है और सरकार की नाकामयाबी जो है उसको गिनाने का काम कर रहा है, और कहीं ना कहीं इसको लेकर जो है बिहार के जो मुख्यमंत्री नीतीश कुमार है उन्होंने हाई लेवल मीटिंग किया था जिसमें डीजीपी, एडीजी समेत कई पदाधिकारी जो है वो सम्मिलित थे और तमाम जो जिले हैं उनके जो है डीआईजी, आईजी, एसपी भी इस वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग में शामिल हुए थे और कई टिप्स बताई गई थी, साथ ही साथ अपराध पे लगाम लगाने को लेकर आदेश भी जारी किया गया था। इसके बाद भी जो है अपराधी पर कहीं ना कहीं नकेल जो है वो नहीं कस पा रहा और यही कारण है कि अपराधी जो है वो बेलगाम हो चुके हैं। और एक चीज जरूर जान जाइए कि अपराधियों के दिलों में जो पुलिस का डर हुआ करता था वो डर कहीं ना कहीं कम होते हुए नजर आ रहा है, यही कारण है कि अपराधी जो है आए दिन घटनाओं को अंजाम दे रहे हैं और आए दिन राजधानी पटना ऐसी जगह पे लूट, हत्या और जो चोरी, छिनतई, ये सब जो घटनाएं हैं वो लगातार हो रही है, याफा हो रही है। और हाँ, एक चीज जरूर है कि जब घटना होती है उसके बाद पुलिस एक्टिव होती है और उन लोगों से अपील भी किया जाता है, क्योंकि कई ऐसी घटना है जिसमें आप देख रहे हो राजधानी पटना का ये हाल है कि जब कल ही की बात कर लिया जाए तो दुल्हिन बाजार में 21 लाख की पीएनबी बैंक की शाखा से लूट हो गई और अपराधी 4 की संख्या में पहुंचे 2 मोटरसाइकिल से। आप अंदाजा लगा सकती हैं आसिया कि जैसे ही अपराधी वहां पे पहुंचे और एक जो बैंक का कमरा था उसमें सबको बंधक बनाकर 21 लाख रुपए की लूट की घटना को अंजाम देकर फरार हो गए,
तो इससे आप समझ सकते हैं कि पुलिस की जो गश्ती है या जो तमाम दावे हैं, चूंकि 112 जो डायल 1112 है उसे भी लगाया गया है, हाईवे पेट्रोलिंग है, उसके बाद जो एसटीएफ है, तमाम चीजें जो है पटना में, चूंकि तमाम जो टीम है वहां पटना में मौजूद है, और यहीं से जो है पूरे बिहार में जो है वो कहीं ना कहीं दिशा निर्देश दिया जाता है, यहाँ अतिरिक्त पुलिस बल भी दिया जाता है, लेकिन राजधानी पटना का ये हाल है तो आप समझ सकते हैं कि अन्य जिलों का क्या हाल होगा। जी आसिया, चलिए शुक्रिया चंदन इस तमाम जानकारी के लिए। तो अपराध पर लगाम नहीं लगा पा रही है बिहार पुलिस और हर दिन नए आपराधिक वारदातों को अपराध कर्मी अंजाम देते हैं और आसानी से फरार हो जाते हैं। तो शुक्रिया तमाम सहयोगियों का जिन्होंने अपने इलाके की जानकारी दी है। और झारखंड बिहार की तमाम राजनीतिक हलचल पर हमारी नजर इसी तरह बने रहेगी। आप देखते रहिए न्यूज़ 22।